ओके सो वेलकम एवरीवन। व्हाट्स योर स्टार्टर 74 मिनिमलिस्ट वर्जन। तो इनिशियली शेफ हैज एन एरे ए ऑफ लेंथ एन, ठीक है, और एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जो कि एटमोस्ट वन हो रहा है। उसमें क्या कर रहे हैं कि एल आर से मतलब एक सब एरे ले रहे हैं एल के आर, ठीक है, और हर एक एलिमेंट को प्लस वन कर, हर एक एलिमेंट को इंक्रीमेंट करेंगे प्लस वन से, ठीक है। तो हमको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स। शिफ्ट कैन डिक्रीज फ्रॉम द एरे बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन एट मोस्ट वन। ओके सो निकालना क्या है, इन्वर्जन्स कितना मैक्सिमम डिक्रीज कर सकते। तो इन्वर्जन होता क्या है, लेट्स से अगर हमारे पास एक आई है और एक जे है, दो इंडेक्स है, डज दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आई है फिर ये जे होगा, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एलिमेंट है और तो जो यहाँ पे एलिमेंट है उन दोनों में ये बड़ा होगा, ठीक है, इंडेक्सेस में ये बड़ा है, एलिमेंट में ये बड़ा होगा, इन्वर्ट हो जा रहा है ना, इसे बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। बस हमको ये निकालना है कि जब हम एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, मैक्स ऑफ इन्वर्जन ऑफ ओरिजिनल एरे मतलब जो बिना परफॉर्म किया था, माइनस इन्वर्जन ऑफ जो सेकेंड एरे है मतलब ऑपरेटेड एरे जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे और ये वाला टेस्ट केस लेके चलते हैं। 4 2 3 1 5 3 1 and 5। ओके सो बेसिकली ये हो रहा था कि हम लोगों को पहले तो एट्रिट राइट मोस्ट एंड से करना चाहिए बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आई जो है जैसे छोटा इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट होगा मतलब ए ऑफ आई जो है वो ए ऑफ जे से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग को अगर हम लोग पीछे से ट्रैवर्स करेंगे तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हम लोग ये पता कर लेंगे ना कितने आगे और ऐसे हैं, मतलब जैसे मान लो कि 4 1 2 2 6 2 2 8, अब पीछे से कर रहे हैं तो फिर देखना पड़ेगा ना 4 से कितने आगे ऐसे हैं कि जो छोटे होंगे नहीं होंगे, वरना पीछे से हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे कितने आगे छोटे हैं और अगर इसको प्लस वन करेंगे तो कितने पीछे पे फर्क पड़ेगा। तो ये था बेसिकली इसका पहला एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओरिजिनल एरे पे, ठीक है, ये है हमारा ओरिजिनल एरे। तो बेसिकली एक एलिमेंट फर्क कैसे डाल रहा है इन्वर्जन में, तो दो तरीके से फर्क डाल रहा है। अगर हम लोग इधर से देखें, इधर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग चाहें, तो जितने छोटे एलिमेंट्स हैं मतलब इस एलिमेंट से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं वो इन्वर्जन में हमारी हेल्प करेंगे मतलब इन्वर्जन बढ़ाएंगे, और इससे जितने बड़े हैं वो इन्वर्जन को मतलब कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो अगर 4 से देखा जाए, 4 के लेफ्ट में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो इन्वर्जन पे अफेक्ट डालेंगे, आई गेस 0, और 4 के राइट पे कितने ऐसे हैं, तो 3 है, ऐसे ही 2 के लेफ्ट में कितना है 1 है, और 2 के राइट में कितना है 1 है, ये 3 पे 3 के लेफ्ट में कितना है 1 है, 4 के राइट में कितना है, और फिर 1 के लेफ्ट में कितना है 3 है, 1 के राइट में कितना, 5 का तो 0 एंड 0 है। अब फिर लेफ्ट से हम लोग ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, तो अब देखेंगे अगर हम लोग, तो अगर हम 5 की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 6 कर देते हैं, तो क्या ये लेफ्ट या राइट पे कुछ असर डालेगा, इधर तो अभी फिलहाल नहीं डाल रहा है। आगे चलते हैं, अब हम लोग एक स्टेप आगे गए, तो अब हम 1 और 5 दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, जब 1 की वैल्यू 2 कर देंगे और 5 की वैल्यू 6 कर देंगे, तो ये तो कोई असर अभी
कोई इफेक्ट है नहीं इसका, लेकिन जब ये टू हो जाएगा इसका और इसका इन्वर्जन इट इज गॉन. तो बेसिकली इसके प्लस वन के प्लस वन कर देंगे, और इसका जितनी बार भी ऑकरेंस होगा, मतलब कि इसका जितनी बार भी ऑकरेंस होगा उतनी बार इसका इन्वर्जन घट जाएगा. अगर यहाँ पे टू कई बार होता, टू होता, टू होता, तो ये भी टू है, तो सारे टू न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो जितना भी इन्वर्जन होता उतने से माइनस इन्वर्जन. और इसका लेफ्ट वाला पार्ट कैसे अफेक्ट होता? अब क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस वन हो गई है, तो इसकी वैल्यू जो है टू हो गई है. पीछे जितने भी वन होते इसके उनके साथ अब इनका मतलब कि इनका मतलब इन्वर्जन हो जाता. बेसिकली अगर हमारे पास 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1, ये तो सब सेम है, लेकिन अगर ये वन टू हो जाए, ये वाला इंडेक्स हम ले लें अज्यूम करते हैं, तो इन्वर्जन तो बढ़ जाएगा ना एज यू कैन सी. तो बस कुछ करना नहीं था. अब अगर हम 3 पे कंसिडर करें, 3 की वैल्यू अगर हम 4 कर दें, मतलब 3 को भी ले, तो इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू की वैल्यू 4 करेंगे, तो इन दोनों का इन्वर्जन जो है न्यूट्रलाइज हो गया और पीछे वाले के साथ बराबर ही, क्योंकि 3 मतलब सिमिलर कोई नहीं है, 3 से छोटा नहीं कहीं है, मतलब 3 और कहीं नहीं, जो जो था यहाँ पे 2 वो है ही, कोई नया एलिमेंट ऐसा मिला नहीं. कोड पे चलते हैं सीधे. इसमें करना कुछ नहीं था, इनपुट लिया, अरे का इनपुट लिया, फिर उसके बाद मैप में प्रीफिक्स एंड सफिक्स स्टोर कर लिया. तो पहले प्रीफिक्स ले लिया, हर एक एलिमेंट का हैश कर दिया कि कितनी बार एलिमेंट अकर कर रहा है हमारे एरे में. तो जितनी बार अकर करेगा उतना वो राइट वाले को इफेक्ट करेगा, मतलब जो हमारा ये 2 था, तो जितनी बार सामने 2 2 2 2 आया और 1 आया, तो उतनी बार उसका न्यूट्रलाइज हुआ ना सामने वाले के साथ. तो हम लोग बस इसके लिए प्रीफिक्स एरे निकाले, एक आंसर और एक कंटिन्यूसेस. कंटिन्यूस बेसिकली हमारा ये बताएगा कि इसको ले रहे हैं फायदा है कि घाटा, इसको ले रहे हैं फायदा है कि घाटा है, इसको ले रहे हैं फायदा है कि घाटा है, ये बताएगा. हर एक कंटिन्यूस एलिमेंट को लेने का फायदा है कि नुकसान है ये बताएगा, ठीक है. अब फिर उसके बाद आगे ट्रैवर्स किए पीछे से. पहली बात, जो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो अपने प्रीफिक्स या सफिक्स किसी में भी कोई भी मतलब कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, इट वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूट एनी थिंग इन इट्स प्रीफिक्स और सफिक्स. सो आई विल जस्ट डिक्रीज द काउंट, जैसे काउंट डिक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद जितना भी अकरेंस है उसके प्लस वन का उतना ऐड किया काउंटर में, और जितना उसके पीछे वाले का, उसके प्लस वन होने से उसके पीछे वाले का जितना अकरेंस है सब्ट्रैक्ट कर दिया. फिर हमारे पास ठीक है, फिर इसको हमने 2 कर दिया, तो जितना ये सब है ये तो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, मतलब इसका प्लस वन के जितने भी वैल्यूज है, मतलब 3 है, जितना तो न्यूट्रलाइज कर जाएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है. और पीछे जितने हैं 1, अब क्योंकि ये 2 हो गया तो हमारे पास नए इन्वर्जन्स आ जाएंगे इसके 2 होने की वजह से, तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इसीलिए तो ये क्या, और फिर सफिक्स ऑफ मतलब प्लस वन है वैल्यू के सफिक्स को बढ़ा दिया, इसके 2 पे सफिक्स को बढ़ा दिया, जब इसकी वैल्यू 2 हो गई, और इसका जो है मैक्स ले लिया कंटिन्यूस के साथ और प्रिंट कर दिया. तो यही था. अब मूव ऑन करते डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे. तो ब्यूटी ऑफ एन एरे इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द एरे. नोट
ओके ओके ओके, सो डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट. सो बेसिकली योर टास्क इज टू फाइंड द डिस्टिंक्ट ब्यूटी वैल्यूज ऑफ ऑल द सब एरेज ऑफ ए ग्रेटर देन वन. ओके, तो कोई एक हमको एरे दिया गया है, इसका सब एरे निकालना है, लेंथ जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, और इसमें लार्जेस्ट माइनस सेकेंड लार्जेस्ट का डिफरेंस निकाल के, और क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए तो एक सेट में हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे, बिकॉज सेट कंटेन्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू, सो इसका कोई दिक्कत नहीं. बेसिकली दिस इज द क्लासिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट. ओके, सो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास लेट से 4, 2, 6, 7 सेवन सेवन है, ठीक है, तो हम लोग एक स्टैक लेते हैं, पहले एलिमेंट डालेंगे क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, इसका देखेंगे क्या सेकंड वाला हमारे टॉप के ऊपर टॉप से बड़ा है कि नहीं. इफ द सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर देन आर टॉप देन वी जस्ट पॉप दिस वन, पॉप इट आउट एंड वी जस्ट इंसर्ट द लार्जेस्ट वैल्यू. देन अगेन वी चेक, ओके दिस इज नॉट लार्जर देन द टॉप, सो वी मूव अहेड, 5 इज लार्जर तो वी इंसर्ट 5, पॉप 4, एंड अगेन फॉर द सेम फॉर 6, फॉर सेम फॉर 7. ओके, तो बेसिकली हम लोग करना क्या था कि करना क्या था, बेसिकली अगर हमारे पास कोई कह रहे हैं लेट्स टेक एन लेट्स टेक का ही वाला, अच्छा एट सेवन, ठीक है, तो हमारे पास अभी तो लार्जेस्ट ही है, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, ये लार्जेस्ट है नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, 8 है, तो सारे एलिमेंट्स में से हमारे पास जो मैक्सिमम आ जाएगा कितना जाएगा, 8 आ जाएगा. अब वापस हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, तो बेसिकली वापस जब ट्रैवर्स करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे से पहले 2 है, 2 देन 7, 2 7 से छोटा है, तो ये हमारे सब एरे में कभी ना कभी ये आया होगा, तो सबट्रैक्ट कर लेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा. देन अगेन वी विल मूव फॉरवर्ड 7, देन वी फाइंड 1, 1 है हमारे पास, 1 भी कभी ना कभी हमारे एरे में आया होगा, सब एरे में, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर ले, सबट्रैक्ट कर लेंगे, मैक्सिमम में से 6 आ गया. अब फिर इधर आएंगे 7, फिर 7 अभी टॉप पे, फिर 8 आया उससे बड़ा, तो सबट्रैक्ट कर लेंगे, 1 आ गया, फिर 1 के साथ 8 आया, तो वो भी कभी ना कभी हमारे एरे में रहा होगा, तो फिर से इसकी वैल्यू 7 आ गई सबट्रैक्ट करने की, मतलब कि जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, इससे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट क्या है, 8 है, इससे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट क्या है, 7 है, इससे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट 7 है, इससे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट ये भी है, फिर इससे क्या है, ये है, इससे क्या है, ये है, तो हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास एक ही आ गया, एक आ गया, एक ही आ गया, आ गया, टोटल 4 आ गया, 4 आ गया, जो कि 4. तो लेट्स मूव टू द कोड, कोड इसका क्या है, ओके सो लेट्स सी द कोड वंस. तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम लोग
लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैवर्स करेंगे, ग्रेटेस्ट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसको एम्प्टी कर देंगे। उसके बाद हम लोग राइट साइड से जाएंगे, ग्रेटेस्ट नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, मतलब जब हमारा ई आर ऑफ है टॉप के एलिमेंट से बड़ा है तो हम सब्सिक्वेंटली उसका डिफरेंस निकालेंगे और एक सेट में पुश कर देंगे, और फिर सेट की साइज आउटपुट दे देंगे क्योंकि वो हमारी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को बताएगा। ठीक है, थैंक यू।